26 जनवरी 1950 को जिस रोज भारत के संविधान का गठन हुआ उसी रोज जन्म हुआ भारत की सर्वोच्च न्यायालय न्याय के आखिरी द्वार सुप्रीम कोर्ट का। उसी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सीनियर एडवोकेट अशोक पांडा जी, जिन्होंने अपनी एक नई किताब में अपनी उस 45 से 47 साल की जो जर्नी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको इस किताब में जो है उसका वर्णन किया है। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि किस तरह से जो है इनकी ये जर्नी रही और आगे क्या क्या हमको जानने को मिलता है। मेरी किताब सिर्फ लॉयर या लॉ स्टूडेंट्स या जजेस उनसे सीमित नहीं है। मेरा ये व्यू है कि जो हमारा धरोहर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में जो हमारे युवा पीढ़ी जाने, और इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि उनके भाषा में, उनके समझ में, इसमें कोई लीगल जार्गन नहीं है, इसमें मैं यही कहने को कोशिश किया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, क्या कंपोजिशन रहा, उनका अलग अलग सवाल पर अलग अलग फेज में कैसे सुप्रीम कोर्ट का चेंज भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को जो दर्जा दिया गया है, जो भूमिका दी गई है, बहुत अहम है। इसको हम कहते हैं कि डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉमन सिटीजन्स, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट, और इसको दूसरे कोर्ट के साथ तुलना नहीं किया जाएगा। और इनके पास जो क्षमता है या जो पावर है, वो पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू से क्या ये होता है कि अगर आपके सामने कोई कानून है, उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, फार्मर्स इशू जो फिलहाल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, उस पर किस तरह से देखते हैं और किस तरह की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की रही इस पूरे मामले में? जो कृषि कानून जो बने हैं, इसको जल्दीबाजी में पास किए गए, इस पर और बहस जरूरी था। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे कौन स्टेक होल्डर्स हैं? स्टेक होल्डर्स हमारे फार्मर्स हैं, हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि, ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लाते हैं तो पूरा व्यापक विचार करके लाना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ कंसिडर, दिस इज़ अ वेरी वाइटल इशू, इट इन्वॉल्व्स द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ क्रोर्स ऑफ पीपल, और उसी को उसी गंभीरता से लें, और जो भी कानून बनाना है आप वाइडर कंसल्टेशन कीजिए, सबसे पूछ के बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट अशोक पांडा जी, जो हमें लेके गए सुप्रीम कोर्ट की इंसेप्शन से हिस्ट्री तक। अनन्य भटनागर, APN न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट बुपी रावत के साथ।